गामा पहलवान की 144वीं एनिवर्सरी पर गूगल ने गामा पहलवान को ट्रिब्यूट देते हुए उन पर एक डूडल बनाया है। गामा पहलवान का वास्तविक नाम गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट था। इन्हें रुस्तम हिंद भी कहा जाता था। इन्हें कुश्ती के अखाड़े में द ग्रेट गामा के नाम से भी जाना जाता था। गामा अपने पूरे कुश्ती करियर में एक भी फाइट नहीं हारे थे। गामा का जन्म 22 मई 1878 में जब्बोवाल अमृतसर में हुआ था। गामा 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद नए बने देश पाकिस्तान में चले गए थे और 23 मई 1960 को लाहौर के पाकिस्तान में उन्होंने आखिरी सांसें ली थी। गामा का परिवार ऐतिहासिक रूप से कश्मीरी हिंदू समुदाय से संबंध रखता था, जिन्हें मुस्लिम शासन के दौरान इस्लाम में कन्वर्ट किया गया था। गामा की दो बीवियां थी, एक पंजाब में तो दूसरी गुजरात में। जब गामा 6 साल के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया था। गामा को प्रसिद्धि तब मिली जब मात्र 10 सालों की उम्र में इन्होंने 400 पहलवानों को दंड बैठक लगाने के मुकाबलों में 15वां स्थान प्राप्त किया और खुश होकर जोधपुर के महाराजा ने इन्हें अपनी कम उम्र के कारण पुरस्कृत भी किया था। गामा की ऊंचाई यूं तो 5 फीट 7 इंच ही थी, परंतु वह 7-7 फीट लंबे पहलवानों को भी पछाड़ देते थे। गामा पहलवान ने लंदन जाकर भी अपनी पहलवानी का जोहर दिखाया और अपनी वेट कैटेगरी से ज्यादा वेट कैटेगरी वाले पहलवानों को भी पछाड़ा। 1910 में गामा ने वर्ल्ड चैंपियन स्टेनलास बायोस्को को हराकर रुस्तम जमाना यानी वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीता। गामा ने सारे अमेरिकन और यूरोपियन चैंपियंस को भी हराया। गामा ने 20 अंग्रेजी पहलवानों को यह चैलेंज दिया था कि आ जाओ, मैं एक के बाद एक तुम्हें हरा दूंगा। परंतु गामा की दहशत का ये आलम था कि कोई भी पहलवान इस मुकाबले के लिए तैयार ही नहीं हुआ। उस समय भारत के दूसरे सबसे बड़े पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला को हरा कर गामा फिर से रुस्तम हिंद बने। गामा ने बाद में कहा भी था कि मेरा सबसे तगड़ा प्रतिद्वंदी यदि कोई था तो वह रहीम बख्श सुल्तानी वाला ही था। 1928 में गामा ने बायस्को को फिर पटियाले में हुई एक फाइट में हराया और खुश होकर इस महान रेसलर बायस्को ने गामा पहलवान को टाइगर कह के संबोधित किया। फरवरी 1929 में 50 वर्षीय गामा पहलवान ने अपनी आखिरी फाइट लड़ी और वो भी ऐसी लड़ी के सब देखते ही रह गए। गामा ने जेसी पीटरसन नाम के पहलवान को मात्र 1.5 मिनट में हरा दिया था। अपने जीवन काल में 5000 से भी ज्यादा फाइट जीतने वाले गामा का निजी जीवन दुखों से भरा रहा। गामा के 5 बेटे और 4 बेटियां थी। गामा के सभी बेटे कम उम्र में ही मौत के शिकार हो गए थे। गामा के सबसे छोटे बेटे जलालुद्दीन की मृत्यु मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। इससे गामा को बहुत बड़ा सदमा लगा था और कई दिनों तक तो उनकी आवाज भी नहीं निकली थी। 1947 में हुए भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान में रहने वाले गामा ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में एक कराची में ट्रांसपोर्ट कंपनी भी खोली जिसका नाम गामा ट्रांसपोर्ट कंपनी था, परंतु किसी कारणवश यह बिजनेस उनका सफल नहीं हो पाया। पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पत्नी कुलसुम नवाज भी गामा पहलवान की ही नातिन थी। महान कुंफू फाइटर और फिल्म अभिनेता ब्रूसली भी गामा पहलवान से काफी प्रभावित थे और वह उनकी बताई हुई कई सारी वर्जिशें यानी एक्सरसाइज को फॉलो किया करते थे। 23 मई 1960 को लंबी बीमारी के चलते लाहौर में गामा पहलवान का निधन हो गया। दोस्तों, कुश्ती में गामा पहलवान को वही मुकाम हासिल है जो कि बॉक्सिंग में मोहम्मद अली को हासिल है। इसी तरह की रोचक जानकारियों से भरे कार्यक्रम देखने और सुनने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल मालवा डायरी हिस्ट्री के साथ, हमें सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।